हेलो फ्रेंड्स, मेरे ग्रीन लाइब्रेरी चैनल में आपका होस्ट वेलकम। और जो ये आज की मेरी वीडियो है, ये विंटर फ्लावर जो होते हैं आजकल सीजनल है, कुछ परमानेंट है, ये उसी के ऊपर है। कम से कम मैं फ्लावर आपको 30-32 दिखाऊंगी और सिर्फ आज आपको दिखाऊंगी कितने प्यारे प्यारे मेरे फ्लावर हैं। मैं एक बार इसका ओवरव्यू देना चाहती हूँ जो मेरे पास फ्लावर है। तो आइए लास्ट तक बने रहे मेरे साथ और मैं स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए, ये पिटोनिया का है, कितना प्यारा कलर है, स्टार वाला, जो स्टार पिटोनिया होता है। इसमें ये मैंने इसलिए बाय किया, ये रेड कलर है इसमें, बड़ा प्यारा सा ये हार्ट की शेप में देखो रेड है और ये वाइट है, अंदर से ग्रीन, कितना प्यारा है, बहुत ही सुंदर प्लांट है, मतलब फ्लावर है, इसलिए मैंने इसको बाय किया है। और एक ये है देखो, ये बैंगनी पर्पल तो नहीं है, ये मजेंटा कलर है और कितना प्यारा, कई सारे फूल हैं इस पर। और अभी तो ये कितने सारे आएंगे देखो, कई सारे फूल लगे भी हैं और ये कितने सारे आएंगे, और ये भी कितना प्यारा है। और एक मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ, ये देखो ये पर्पल कलर है, कितना डार्क, कितना प्यारा कलर है, बहुत ही सुंदर है। इस पर कई सारे बने हुए हैं देखो, ये खिलने वाले हैं, कल तक खिल जाएंगे, तो ये भर के जब आएगा तो और भी प्यारा लगेगा। मेरे पास ही कम से कम 4-5 है, और ये खिले हुए 3 है, वैसे 5 कलर है मेरे पास। और ये आपको मैं मैरीगोल्ड दिखाती हूँ, ये देखो कितना, ये कितना प्यारा कलर है, जाफरानी, जाफरी क्या बोलते हैं उसे, जाफरी गुलाब, वो वाला है, छोटा सा है और बहुत ही प्यारा है, ये देखो। और एक मेरा ये लड्डू कलर, कितना सुंदर है येलो कलर, इस पर तो बहुत बड़े बड़े आते हैं। और ये काफ़ी समय से ये बंदरों ने तोड़ दिया था पूरा प्लांट, लेकिन वो फिर हरा हो के आ गया सारे में, बर्ड्स आ गई इसमें, देखो कितना प्यारा है, कई सारे खिले हुए हैं अभी भी। और एक ये है, ये कुछ पीला दूसरा कलर है और बहुत ही प्यारा, ये और भी छोटा मिनीचर जैसा है, बिल्कुल छोटा है, कैमरे को भी मुझे नीचे झुकाना पड़ रहा है तब उसमें आ रहा है, बहुत ही प्यारा है। और एक ये एग झूला है, ये देखो मैंने काफ़ी समय पहले खरीदा था ऑरेंज कलर का, और ये भी बंदरों ने तोड़ दिया था, मगर अब इस पर फिर फूल, देखो कितने बड़े बड़े ये बंचों में इसको फ्लावर आ गए हैं, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और एक एग झूला मेरा ये नीचे वेराइटी का है, इधर पिंक कलर का, कितना प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। और अब मैं आपको अपनी गुलाब दिखाती हूँ, ये देखो कितने सारे गुलाब हैं मेरे पास, अभी कुछ पे गुलाब आ रहे हैं और कुछ मैंने पहले दिखाए थे, वो जो स्पेंड हो गए थे वो सब मैंने हटा दिए, अब फिर नए आएंगे उसमें। ये मैरून कलर का, इसको भी हटा दूंगी मैं, और ये वाइट कलर का है, कितना प्यारा है, ये देखो इस पर तो कितनी कलियाँ भी हैं, फ्लावर भी है, बहुत ही सुंदर फ्लावर है, ये देखो कितना प्यारा, बट अभी पूरी खिल नहीं पाई, ये वाला कितना प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, ये देखो कई सारी बर्ड है इसमें, और 3 खिलने वाले हैं, और कितने सारे हैं। और ये येलो का और ये पिंक का, रेड का, ये मिक्स है, ये भी बहुत प्यारा है, सुंदर है, काफ़ी सारा, इस पर भी बर्ड्स आई हुई हैं और काफ़ी बर्ड्स आई हैं। मैं वही प्लांट खरीदती हूँ जिस पर कई सारी बर्ड्स होती हैं, मैं उसी को बाय करती हूँ, गुलाब का, तो वही मुझे पसंद आते हैं। अरे देख, नेक्स्ट है ये जो हिबिस्कस होता है, ये भी मिनीचर वैरायटी, छोटी सी ड्वार्फ में है बिल्कुल। और ये देखो इस पर ये पिंक कलर का है, ये फूल इसका गिर गया और इस पर ये कल तक खिल जाएगा, तो कल तक खिल जाएगा, बहुत सुंदर लगता है, बहुत बड़ा फूल होता है। और एक ये है येलो कलर का है मेरे पास, ये वाला, और इसमें ऑरेंज पे तो अभी आए थे, निकल गए, कई सारे हैं, 4 है मेरे पास। और एक गुलाब का मेरे पास ये है, और एक गुलाब का ये है, और कई सारे हैं मेरे पास, कम से कम 5-6 गुलाब है। और अब ये डेंथस है, ये देखो नेक्स्ट प्लांट है मेरा, ये फ्लावर, ये डेंथस है, ये भी मेरे पास 4-5 कलर है फिलहाल, मेरे पास 2 कलर अभी तक अभी भी खिल रहे हैं, ये देखो रेड कलर है, ये कितना प्यारा है रेड कलर, बहुत सुंदर है। और ये नेक्स्ट फ्लावर ये देखो, अभी तो ये गुलाब ये दिखाती हूँ आपको, पहले तो ये गुलाब भी कितना सुंदर है, बहुत सारे कलर है मेरे पास। और ये मंडे विला का है, ये वाइट कलर का, इस पर तो रोज ही आता है, बड़ा सुंदर लगता है, अभी एक झड़ गया और बहुत ही प्यारा लगता है, और कई दिन तक एक फूल जो है कई दिन तक लगा रहता है। और अब हम आ जाते हैं अपने कलेंचो पे, ये देखो ये पहले, हाँ एक और दिखा देती हूँ मंडे विला का, ये देखो ये छोटी वैरायटी का, ये तो क्रीपर है ये वाला वाइट, तो और एक येलो भी है, ये मेरा क्रीपर है, 2 मेरे पास क्रीपर है, और ये थोड़ा छोटा है जो गमले में लगाया जाता है, ये इस तरह से इसकी ये बर्ड आती है और फिर खिलता है, बहुत सुंदर, अभी भी ये मेरे पास खिल रहा है, काफ़ी सारी बर्ड आई हुई है, ये खिलता है भी। अब मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ,
ये कलेंचो देखो कितने प्यारे लगते हैं, ये झाड़ों भर इतना खिलते हैं और कितने दिन तक, कम से कम 1-1.5 महीने तक ये गुच्छे लगे रहते हैं और वो नई नई वर्ष जो होती है ये खिलते रहते हैं। ये देखो कितनी सारी बनी हुई है, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। ये कुछ ऑरेंज टाइप का है और ये रेड में देखो कितना सिंदूरी कलर कितना प्यारा है। ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये देखो मैं दिखाती हूँ पास से कितना प्यारा येलो है और बहुत दिन से कम 1 महीने से भी ऊपर हो गया इसको, ये अभी भी खिला हुआ है, ये सबसे पहले लिया था मैंने। और ये है मजेंटा कलर, इतना प्यारा है। 4 कलर है मेरे पास, 5 है बल्कि, एक मेरा सूख गया, छोटा सा मैंने लगाया था वो कटिंग वो सूख गया। और ये देखो बोगनवेलिया, एक ये वेरीगेटेड है इसकी लिप्स, और ये रेड कलर का मुझे बहुत ही सुंदर लगा। ये गमले में ये छोटा ही रहता, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। और एक ये मैं आपको बता दूँ, आप भी बाय कर सकते हो आजकल नर्सरी में, ये वाले जो होते हैं ना, ये गुलदपैरी, ये इस तरह की, ये रानी कलर की, ये भी वेरीगेटेड है। तो ये भी आजकल जो है काफ़ी अच्छी खिलती है झाड़ू में भी, अभी भी देखो खिल रही है मेरे पास। और ये भी अच्छी रहती है, ये भी खिलती रहती है, इस पर भी 1-2 आते हैं, आज नहीं है इस पर। तो ये भी आप बाय कर सकते हैं, ये वेरीगेटेड जो ये होती है, इस पर काफ़ी फूल खिलते हैं। अब मैं आ जाती हूँ अपने इस वाले प्लांट पर, ये देखो ये वाला, ये फूल इसका बड़ा सुंदर आता है। अभी ये 12 महीने का फूल है, ये मुझे कुछ ऐसे ही बताया था उन्होंने, डीसिया या कुछ इस तरह से नाम बताया था, मगर इसका नाम कुछ और है, इसका बरून फैलिया कुछ इस तरह से है, ये बरून फैलिया है मैंने सर्च किया तो इसका नाम बरून फैलसिया है इसका। और उन्होंने जो बताया था ये उड़ीसिया बताया था, और मैंने सर्च किया तो ये बरून फैलसिया है। और अब हम इधर बढ़ते हैं, ये देखो नेक्स्ट फ्लोवर पर, ये देखो कितना प्यारा है ये सुंदर सा, ये देखो ये डॉग फ्लोवर, ये मैंने 2 ही खरीदे हुए, एक पिंक और एक रेड। ये बेगोनिया के मेरे पास 4 कलर हैं, एक पिंक है और एक ये है, ये डार्क पिंक है और ये रेड सा है, इसमें शेडेड है, बहुत सुंदर है, प्यारा सा येलो बनता है पहले और फिर इस तरह का कलर आता है। और एक ये ऑरेंज है, इसमें तो काफ़ी सारे फूल खिले थे पहले और अभी भी खिल रहे हैं, ये बंचों में देखो कितने प्यारे लग रहा है, पूरा ऊपर से दिखा दें, इसमें जो है पत्तियाँ भी इतनी सुंदर लगती हैं इसकी, और ये फूल भी बहुत सुंदर लगते हैं। और ये वाइट कलर का देखो, ग्रीन पत्तियाँ हैं इसकी, जो वाइट कलर का होता है उसमें ग्रीन लिप्स होती हैं, और ये वाइट देखो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर है। और ये मेरे पास देखो ये ऑरेंज कलर का कितना सुंदर है, ये इम्पेशेंस, ये देखो कितना प्यारा है, बहुत सुंदर कलर है, अभी खिल के आ रहा है ये देखो। और इसमें क्या है, इसमें ये ज़्यादा पानी डालोगे ये तब भी ख़राब होता है, और इसमें हाँ नमी ज़रूर बनी रहनी चाहिए, नमी अगर इसमें बना के रखोगे तब तो ये प्लांट चलता रहेगा, अगर नमी इसमें ख़त्म हो जाती है तो ये प्लांट क्या है, ये कलियाँ जो होती हैं ये कलियाँ ये गिराने लग जाता है, इस तरह की ये कलियाँ गिराने लग जाता है। एक ऐसी हुआ इसमें मेरे, ये मजेंटा कलर का है, लीफ से पता चल रहा है इसका, तो इस पर आए तो है फूल, मगर इस पर एक बार क्या हुआ मैंने देखा क्या, और इसमें नमी कम हो गई, इसमें सूख गई तो इसके सारे फूल झड़ गए। ये भी बहुत सुंदर कलर है और इसे तो देख के मुझे बहुत ही खुशी होती है, देखो कितना प्यारा है और कितनी सारी इसमें जब ये खिल जाएंगी तो बहुत ही प्यारा लगेगा। मैं अपना देखो ये प्लांट देखो, ये हेलोक्स है, ये मैं 2 कलर लाई थी, एक ये वाला है, ये रेड वाला है, प्यारे लगते हैं, छोटे फूल हैं मगर ये बहुत सारे खिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और एक ये है मेरा ये मजेंटा कलर, ये देखो कितना प्यारा है, ये बहुत ही सुंदर कलर है ये देखो। और एक मैं ये लाई थी ये सालविया का, ये देखो ये सालविया का एक ही लाई थी मैं, ये भी बहुत प्यारा चल रहा है सुंदर सा। अब हम ये देखो ये दिखाती हूँ इधर, और ये देखो ये साइक्लेम है, ये चल तो रहा है लेकिन ये इधर से एक साइड से मेरे पत्ते गिरा रहा है, पता नहीं या तो इसमें पानी ज़्यादा है, नमी रह गई है, या ये धूप लग जाती है, इसे अगर धूप भी लग जाती ना जरा सी भी, मैंने एक दिन जो है वीडियो बनाई थी ऊपर पहले तो इसे रखा हुआ था, तब इसमें थोड़ा सा ये धूप लग गई। ये धूप का प्लांट नहीं होता, बिल्कुल भी धूप नहीं लगाना इसको अगर आपके पास है, ये ठंड का ही प्लांट है, अगर आपके यहाँ ठंड पड़ती है तभी इसे लें, अगर गर्मी पड़ती है और ठंड में पड़ती है तो ना लें इसको। वैसे सुंदर बहुत लगता है, इसमें फ्लोवर भी आते हैं, पत्तियाँ बहुत सुंदर होती हैं। और नेक्स्ट प्लांट ये देखो मेरे पास, ये जेरेनियम है, ये गुच्छों में बड़ा सुंदर लगता है, इसका कलर बहुत प्यारा लगता है, इसका कलर कॉम्बिनेशन में बहुत ही सुंदर है, ये देखो ग्रीन लिप्स और ये गुच्छों में इसका फ्लावर ऑरेंज कलर का बहुत ही प्यारा लगता है। और एक मेरे पास ये पिटोनिया का है, पिटोनिया का मैंने एक ही लिया है,
बस मुझे इसके जरा कम पसंद आते, ऐसे तो सुंदर लगते हैं। देखो कितना प्यारा कलर लिया है। और अब हम अपने सेवंती पे आ जाते हैं, और सेवंती की मैंने कम से कम 10 कलर लिए हुए हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ओके, अब आगे दिखाती हूँ। ये देखो, ये वाइट कलर का भरा हुआ सुंदर है, और एक ये है, एक ये है, और एक ये कितना प्यारा कलर है। ये देखो ऊपर से दिखाती हूँ, कितना सुंदर कलर है, बहुत ही प्यारा है। और एक ये कलर बहुत ही प्यारे प्यारे हैं इनके, और ये कम से कम 1.5-2 महीने तो ऐसे खिले रहेंगे, ये बड़े वाले और ये छोटे वाले फिर खिलते रहेंगे ऐसे। ये देखो ये सारी कलियाँ, सब बर्ड्स जो हैं ये सब खिल जाएंगे, तो ये सारा कितना प्यारा लगेगा फिर वो। और ये येलो कलर का तो इतना प्यारा लगता है मुझे, बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखो अभी मैं इसको घुमा के दिखाती हूँ, कितना प्यारा कलर है, बहुत ही सुंदर है। ये देखो, और ये मैंने स्टैंड पर रखे हुए हैं। ये देखो स्टैंड लिया था, ये 3 गमले ही आते हैं इस स्टैंड में, ये 500 रुपये का था तो ये अच्छा पड़ा मुझे। और ये देखो एक ये है सेवंती का कलर, ये भी कलर बहुत प्यारे आते हैं इसमें सेवंती में। देखो कितने प्यारे प्यारे कलर हैं, बहुत ही है। लगभग मेरे पे सारे ही कलर हैं, जहाँ भी मैं जाती हूँ नर्सरी में या कहीं यहाँ पे भी आते हैं, मैं इसके कलर नहीं छोड़ती और कलर मैं सारे ही बाय कर लेती हूँ। पहले भी मैंने दिखाए थे आपको 4-5, लेकिन मैंने फिर बाद में अभी ये बाय किया इसके बाद। ये पिंक कलर का ये बहुत सुंदर है, ये बड़ा फ्लावर है। एक मैंने वो छोटा था लिया था, वो मुझे अच्छा नहीं लगा था, वो इसलिए मैंने ये बड़ा खरीदा। और एक ये है शेडेड, ये पर्पल येलो वाइट ये 3-4 शेड हैं इसमें, ये भी बहुत सुंदर है। और एक ये देखो ये कितना प्यारा है, ये भी शेडेड है, ये भी मैंने ये बाद में तीनों ये मैंने बाद में बाय किए हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये मैंने बाद में मुझे अच्छे लगे और इसलिए मैंने इसको भी बाय कर लिया। ये देखो कितने प्यारे हैं, बहुत ही सुंदर है सारे 7 के। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर देना। और ये देखो कितने प्यारे प्यारे हैं। और मैं आपको एक छोटा सा फ्लावर जैसी उसका दिखाती हूँ, अभी तो मैं सदाबहार दिखाती हूँ, इसके पीछे सदाबहार भी कितने अच्छे झाड़ों में। देखो ये जो छोटी वाली वैरायटी होती है हाइब्रिड, इसमें तो अभी भी खिल रहे हैं कितने सारे। ये देखो इतने सारे, ये ऑरेंज कलर का और ये पिंक कलर का, ये कितना सुंदर खिल रहा है। ये देखो कितना प्यारा सा। और ये मजेंटा रानी कलर का, इस पर भर भर के खूब फूल आते हैं, बहुत ही सुंदर फूल आते हैं। और अब मेरा छोटा सा जो सबसे छोटा फूल है मेरे पास, सबसे प्यारा सा नन्ना सा, ये देखो वाइट कलर का है, और ये क्या बोलते हैं इसको, अलाइसम का। देखो कितना प्यारा सा, इसे ये भर जाएगा अभी, ये सारी छोटी छोटी जितनी भी बर्ड्स हैं जब ये खिल जाएगी ना, और ये एकदम वाइट कलर का हो जाएगा पूरा, ऊपर ग्रीन नहीं दिखाई देगा, एकदम वाइट हो जाएगा। और ये अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ, नेक्स्ट फ्लावर। और मैं ये दिखाती हूँ आपको, ये गजानिया का है। ये देखो ये येलो कलर, कई सारे हैं मेरे पास, एक येलो कलर का है और ये अलग कलर का है थोड़ा, और एक ये वाला है, ये देखो कितना प्यारा है, और एक ये वाला है, कई सारे 5-6 कलर है मेरे पास। 2 अभी आए नहीं है तो वो पीछे रखे हैं, अभी मैं दिखाती हूँ। ये रखे देखो, ये भी येलो बहुत ही सुंदर है, अभी खिल के आएगा कल परसों को। और एक ये है, ये खिल चुका और कई सारी इसमें बन भी रही है अभी, तो ये भी मेरे पास 5-6 कलर है इसके, बहुत ही प्यारे कलर है। अभी जब बाद में आपको ये खिलेंगे फिर दिखाऊंगी आप बाद में। और सेवंती तो ऐसी खिल रखी है मेरे यहाँ पूरे आंगन में, इसने बाहर मचा रखी है, बहुत ही सुंदर लगती है मुझे, बार बार मैं इसी को देखती रहती हूँ। और ये फूल क्या होता है, ये एक तो ये 24 घंटे खिले रहते हैं और ये जल्दी से सूखते भी नहीं, इसलिए ये सुंदर लगते हैं मुझे। इसे ज़रूर बाय करना, अगर आपके पास सेवंती नहीं है गुलदावरी तो ज़रूर बाय करना इसको। और ये एक है मेरे पास नेक्स्ट कलर, इस पे भी ये रेड फ्लावर जो होता है ऐसे, ये फ्लावर ही कहते हैं इसको, नीचे ग्रीन होता है और ये भी अभी विंटर में ही ये रेड होता है। ये देखो कितना प्यारा है, पॉइंसेटिया, बहुत ही प्यारा है। और अब आगे मैं दिखाती हूँ, वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं जल्दी जल्दी करती हूँ। ये देखिए ये मैथी ओला के मैंने 3 प्लांट लिए हैं। ये देखिए एक ये है और एक ये वाइट कलर का, देखिए कितना सुंदर बन के आ रहा है गुच्छा से, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ऊपर से दिखाती हूँ मैं आपको, कितना प्यारा। और अभी ये सारे जब खिल जाएंगे इधर से तो बहुत ही सुंदर लगेगा। और एक ये है, ये 2 कलर मुझे जो है, एक में ये तब बड खिली नहीं थी
और मैंने ये जो है इसमें खिल गई थी, तो उसने बताया कि ये एक शेडेड है, तो मैंने ये तीनों बाइक लिए। पता चला कि बाद में इसका भी वही कलर निकला, यही निकला, ये पिंक डार्क वाला रानी कलर। और अब मैं इधर आ जाती हूँ, देखो ये डहेलिया के, और डहेलिया के मैंने तो ये पहली बार ही खरीदे हैं। देखो इतने छोटे छोटे ऐसे हैं ये, और ये देखो कितना प्यारा फूल है इस पर, बहुत ही नीचे वो ऐसे झुक के इसके फूल होते हैं, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है, इस जिसे पन्नाटा भी कहते हैं। देखो कितना प्यारा फूल है रेड कलर का। और एक मैंने तीन खरीदे हैं, और ये देखो एक ये खरीदा, ये थोड़ा सा डार्क मजेंटा सा या पिंक कह सकते हैं इसे, कौन सा कलर, मजेंटा ही लग रहा है मुझे, लाइट वाला। और ये देखो कितना प्यारा कलर है, ये पूरी तरह से देखो यहाँ से कितना सुंदर है। और एक ये वाला है देखो, ये थोड़ा सा डार्क है बैंगनी सा, ये और भी डार्क कलर है। तो ये तीनों अलग कलर के हैं तीनों, ये देखो ये इस कलर में है और ये इस कलर में, ये अलग ही अलग हैं तीनों। और ये रेड का है, बहुत ही प्यारे कलर है। अगर ये वाले मिल जाए ना आपको, तो ये भी जरूर खरीदना, इसको भी जरूर बाय करना। अगर आपको शौक है लेने का ये प्लांट, तो ये जरूर अगर आपको मिल जाए तो इसको जरूर लेना। और एक मैंने पहले इसकी वीडियो बनाई थी, ये तो बहुत सुंदर, अभी भी देखो कितना प्यारे से आ रखे हैं। हालांकि अब थोड़े थोड़े सूखने लगे तीनों फ्लावर पीछे से थोड़े, लेकिन अभी भी इतने आ रखे हैं पूरे से, बड़े अच्छे से बने हुए तीनों। और ये नेक्स्ट प्लांट दिखाते, ये मैंने कितना समय पहले लिया था, ये सिलोशिया देखो पिंक कलर का, ये अभी भी इसमें ये काफ़ी अभी भी, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। और इसके सारे इतने सारे बीज बन गए, तो अब की बार जो मैं लगाऊंगी, काफ़ी सारे अभी बीज जम भी रहे हैं इसमें, देखो नीचे प्लांट जम रहे हैं, अब जम के आ जाएंगे ये, इसको मैं तभी काट दूंगी, फिर बाद में इसके सीड्स जो है कलेक्ट कर लूंगी और इसको बाद में काट दूंगी। ये देखो ये छोटे छोटे से ये प्लांट, ये वर्बेना के, ये देखो ये कलर मुझे बहुत ही प्यारे लगे। ये देखो बीच में से अभी इसके फूल निकल गए, क्योंकि ये निकलते रहते हैं, और उसमें गुच्छों में आते हैं, ये जितने भी हैं ना इनके गुच्छे बन जाएंगे सबके। और एक कलर ये है मेरे पास, कितना प्यारा कलर है, देखो कितना सुंदर कलर है, ये मेहरूम, डार्क मेहरूम है, पर्पल है इसमें, जैसे शेडेड है बीच में, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। और ये पिंक है, पिंक भी बहुत प्यारा लग रहा है। बर्बेना तीन कलर, तीन नहीं चार लिए मैंने, और दो मैंने नीचे रखे हैं। देखो ये पर्पल का और ये वाइट का कॉम्बिनेशन है इसमें, बहुत ही प्यारा कलर है। और एक ये रेड का लिया है, और इसमें, और ये सस्ते भी है, 20 रुपये के मात्र। मैंने ये ऋषिकेश की जो सूर्य नर्सरी है काली के घाट पर, ये भरत बिहार में, ये वहीं से लिए हैं, बहुत बड़ी नर्सरी है, प्लांट वहाँ पर काफ़ी सारा आता है। ये देखो आप भी बाय कर सकते हो अगर आपने नहीं देखा,